देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की वजह से तीसरे लॉकडाउन के दौरान 12 मई को आगामी चौथे चरण के लॉकडाउन की घोषणा के साथ साथ देशवासियों को आत्मनिर्भर बनने का भी मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएं। हमें अपनी जिंदगी को कोरोना के डर के साए से बाहर निकालकर सावधानी से काम करते हुए जिंदगी को एक नया आयाम देना होगा। अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को बताया कि आज के मौजूदा स्थिति में हम 2 लाख पीपीई किट और N95 मास्क प्रतिदिन बना रहे हैं और निर्यात भी कर रहे हैं। इसीलिए कोरोना वैश्विक महामारी को एक अवसर के रूप में प्रत्येक हिंदुस्तानी को लेना चाहिए और मेक इन इंडिया पर फोकस करना चाहिए। यह हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जिससे हम पूरी दुनिया में आर्थिक शक्ति के रूप में भी खड़े हो सकते हैं। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल और उनका प्रचार करने की बात कही। इसके लिए उन्होंने आज के बड़े विदेशी ब्रांड्स का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि विदेशी ब्रांड्स भी कभी वहां के लोकल ब्रांड हुआ करते थे, लेकिन वहां की जनता ने उन्हें इतना इस्तेमाल किया कि वो आज इंटरनेशनल हो गए हैं। इसी तरह हमारे देश के जनता को भी लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने होंगे, इतना ही नहीं उनका प्रचार भी करना होगा। ऐसे ही हमें अपने स्वदेशी उत्पादों पर भरोसा करना होगा और लोगों को देश में ही निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल भी करना होगा। जब भी हम दुकान पर कोई चीज खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले MRP और एक्सपायरी डेट देखते हैं, लेकिन अब हमें इस आदत को बदलना होगा। अब चीजों को खरीदने से पहले उस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ भी देखना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने देश में बनी वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे तब तक देश विकास की तरफ नहीं बढ़ेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल प्रोडक्ट से इस्तेमाल करने की अपील के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा फैसला लिया। अमित शाह का कहना है कि 1 जून से CRPF की कैंटीन में सिर्फ स्वदेशी सामान बिकेंगे। उन्होंने ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी दी है। कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री का ये प्रेरणादायक आह्वान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में वायरस जनित बीमारियों का इतिहास और तबाही के बाद यूरोपियन देशों की समृद्धशाली यात्रा है, उन देशों के नागरिकों की जीजीविषिका है। आइए एक नजर डालते हैं उन देशों के उदय पर। ब्लैक डेथ के कहर के बारे में कौन नहीं जानता, जिसने कुछ यूरोपियन देशों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। आपको याद होगा कि 14वीं सदी के 5वें और 6ठे दशक में प्लेग की महामारी ने यूरोप में मौत का दिल दहला देने वाला तांडव किया था। इस महामारी के कहर से यूरोप की एक तिहाई आबादी मौत के आगोश में समा गई थी, लेकिन दसियों लाख जाने लेने वाली ये महामारी कई यूरोपीय देशों के लिए वरदान साबित हुई। अपने नागरिकों की इतनी बड़ी तादाद में मौत के बाद बहुत से देशों ने खुद को हर लिहाज से इतना आगे बढ़ाया कि वो आज दुनिया के अमीर मुल्कों में शुमार होते हैं। ब्लैक डेथ यानी कि ब्यूबोनिक प्लेग से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत के कारण खेतों में काम करने के लिए उपलब्ध लोगों की संख्या बहुत कम हो गई थी। इससे जमींदारों को दिक्कत होने लगी। जो किसान बचे थे उनके पास जमींदारों से सौदेबाजी की क्षमता बढ़ गई। इसका नतीजा ये हुआ कि पश्चिमी यूरोप के देशों की सामंतवादी व्यवस्था टूटने लगी। जो किसान अपना राजस्व भरने के लिए जमींदारों के खेतों में काम करने को मजबूर थे वो जमींदारों की कैद से आजाद होने लगे। इस बदलाव ने मजदूरी पर काम करने की प्रथा को जन्म दिया, जिसके कारण पश्चिम यूरोप ज्यादा आधुनिक व्यापारिक और नकदी आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ चला, क्योंकि अब जमींदारों के लिए मजदूरों की मजदूरी देना महंगा पड़ रहा था। इसी मजबूरी ने उन्हें ऐसी तकनीक में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जिसमें खर्च कम लगे, मजदूरों की कम जरूरत हो और काम भी पूरा हो जाए, ताकि लागत कम करके पैसा बचाया जा सके। कहा तो ये भी जाता है कि यहीं से पश्चिमी यूरोपीय देशों ने साम्राज्यवाद की शुरुआत की। यूरोप के लोगों ने लंबी समुद्री यात्राएं शुरू कर दी। उससे पहले लंबा समुद्री सफर और अन्वेषण महंगा और खतरनाक समझा जाता था, लेकिन प्लेग से इतनी बड़ी संख्या में अपने लोगों की मौत के बाद ये लंबा समुद्री सफर लोगों को जोखिम भरा नहीं लगा। यूरोप के नागरिक अपने यहाँ प्लेग से इतनी ज्यादा मौतें देख चुके थे कि उनके दिल से जिंदगी खोने का डर निकल गया था और वो नई दुनिया की तलाश में कहीं भी जाने के लिए तैयार थे। जब यूरोप के लोग अन्य क्षेत्रों में गए तो उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को और बढ़ाने का मौका मिला। फिर उन्होंने उपनिवेशवाद भी शुरू कर दिया। लिहाजा कहा जा सकता है कि प्लेग के बाद पश्चिमी यूरोप में एक नई ऊर्जा आई। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं
कि अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण ने उन्हें नई तकनीक विकसित करने को मजबूर किया। विदेशों में जिस पैमाने पर उन्होंने अपने उपनिवेश बनाए और वहां से जो कमाई की, उसके बूते ही पश्चिम यूरोपीय देश दुनिया में ताकतवर बनकर उभरे। आज भी उसी के बूते पश्चिम यूरोप के बहुत से देश दुनिया में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। इसीलिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि आत्मनिर्भर बनने का समय आ गया है, कोरोना के डर के साए से बाहर निकल कर इसे एक अवसर के रूप में लेने का समय है और मेड इन इंडिया पर फोकस करने का स्वर्णिम अवसर है, इसके बहुत गहरे मायने हैं। आपको बता दें कि जिसके लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। उनका कहना है कि ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इस पैकेज में बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक पैकेज कुटीर उद्योग, लघु मंझोले उद्योग, श्रमिक, किसान और मध्यम वर्ग को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही आगे उठाए जाने वाले कदमों का संकेत भी दिया, जो आने वाले सालों में न केवल देश के आर्थिक ढांचे को बदल देगा बल्कि इसका व्यापक असर भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए प्रत्येक देशवासी को हर प्रोडक्ट पर MRP और एक्सपायरी डेट के साथ साथ मेड इन इंडिया देखने की आदत भी डालनी होगी, तभी हम आर्थिक महाशक्ति बन सकते हैं।